ये है आलू टमाटर की सब्जी और बहुत ही ज़्यादा चटपटी मज़ेदार सी ये हरी चटनी और फूली फूली बहुत ही क्रिस्पी बट एट द सेम टाइम बहुत ही ज़्यादा नरम ये साबूदाना की पूड़ियाँ। ये देखें तो चलिए इसको बनाना हम शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक पैन में लेंगे 1 कप साबूदाना, यहाँ जो मीडियम साइज़ का साबूदाना आता है ना हमने वो यूज़ किया है। और अब इसे हमें रोस्ट करना है सिर्फ 1 मिनट के लिए, उससे ज़्यादा हम इसे रोस्ट नहीं करेंगे कि इस पर स्पॉट्स आ जाएँ या ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हल्का से इसे 1 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे और इसे रोस्ट करते मुझे 1 मिनट हो गया है, ये अच्छे से रोस्ट हो गया। आप गैस की फ्लेम को करेंगे बंद और इसे साइड में रखेंगे ठंडा होने के लिए। फिर एक ग्राइंडिंग जार में ये सारा साबूदाना हम डाल देंगे और इसे बहुत महीन सा हमें पीसना है। इस टाइम पर ध्यान रखिएगा कि जार एकदम सूखा हो, उसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए आप इसको चलाएंगे 3 से 4 बार बहुत अच्छे से, तो ये एकदम पाउडर के फॉर्म में आ जाएगा, एकदम ये साबूदाना का आटा बन जाएगा। अब एक बार हम इसे छान लेंगे क्योंकि अगर इसमें थोड़े बहुत भी पार्टिकल्स रह गए होंगे साबुत से तो वो हट जाएंगे। ये हमारा साबूदाना का आटा तैयार हो गया। अब हम लेंगे 3 बॉइल्ड और ठंडे किए हुए आलू, हमें फ्रेश एकदम गर्म वाले आलू नहीं चाहिए। अब इसे ग्रेट करके हम ये सारा इसमें डाल देंगे। अब डालेंगे इसमें हरा धनिया और सेंधा नमक, यहाँ पे मैंने 1 चम्मच सेंधा नमक लिया, आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। 1/4 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, और इन सबको अब हमें अच्छे से मिक्स करना है जिससे कि आटे में ये जो आलू है ये अच्छे से मिक्स हो जाए और नमक वगैरह जो डाला है वो भी बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। अब डालेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी और इसे हमें डो बना लेना है। पानी थोड़ा थोड़ा सा ही डालिएगा, हालांकि इस वाले आटे को सानने में अच्छे से हमें पानी लगता है लेकिन थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे, आपको खुद ही पता चलता रहेगा कि हमें कितना कितना इसमें डालना है, और बहुत आसानी से इसका डो बन जाता है। अब इसको रखेंगे हम साइड में और नेक्स्ट बनाएंगे हम बहुत ही चटपटी मज़ेदार सी अपनी आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो इसके लिए हमें लेना है यहाँ पे 2 टमाटर और उन्हें रफली चॉप कर लेना, फिर डालेंगे इसमें 2 सूखी हुई लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा सब्ज़ी में, कोई भी इसमें आपको एडिशनल चीज़ें नहीं डालनी। और डाल देंगे हम 1 हरी मिर्च, जितना भी आप इसे तीखा खाते हैं। उसके बाद ये सब हम डाल देंगे ग्राइंडिंग जार में और इसे हमें पेस्ट कर लेना है, बहुत अच्छे से पीस लेना है, इसमें पानी यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए ये टमाटर का हमारा मिक्सचर बहुत अच्छा हो गया है। देखिए जो हमने लाल मिर्च डाली थी ना उससे कलर कितना अच्छा है, अभी सब्जी में देखिएगा बहुत अच्छा कलर आएगा। अब डालेंगे इसमें जो हम मूँगफली का तेल यूज़ करते हैं ना व्रत में, वो अगर आप ये नहीं यूज़ करते तो आप देसी घी भी डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच जीरा, 2 लौंग, और अब डाल देंगे जो हमने टमाटर पीसा हुआ है ना वो, और इसे एक बार मिक्स कर देंगे। अब ये जल्दी पक जाए, अच्छे से पक जाए, इसलिए हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच सेंधा नमक, या नमक आप अपने स्वाद अनुसार भी ले सकते हैं। और इसे हमें पकाना है करीबन 1 मिनट, बस उतनी देर में ही ये अच्छे से तेल छोड़ देगी इस तरीके से। अब इसमें हम डाल देंगे 2 बॉइल्ड और रफली कटे हुए आलू और इसे मिक्स कर देंगे इस तरीके से। हल्का सा इसे मिक्स करने के बाद में अब हमें इसमें डालना है पानी। पानी आप अपनी ग्रेवी के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितनी भी आपको इसमें ग्रेवी खानी है। और उसके बाद में अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद में इसे हम ढक कर पकाएंगे करीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में ये सब्ज़ी एकदम परफेक्ट बहुत अच्छे से बन जाती है। तो ये देखिए हमारी सब्ज़ी मज़ेदार सी ये हो चुकी है ऑलमोस्ट रेडी, क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा इसकी ग्रेवी को थिक नहीं करना है। तो इसी टाइम पर मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी और इस पे डाल दूंगी मैं खूब सारा हरा धनिया। तो बस ये हमारी चटपटी मज़ेदार सी सब्जी बनकर है रेडी। अब इसे हम ढक कर ही साइड में रख देंगे और ले लेंगे 2। उसके बाद हमें चकले पर लेना है 1 लोई इस तरीके से, और उस पर हमें सूखा आटा लगा देना है। यहाँ पर आप कूटू या सिंघाड़े कोई भी आटे का यूज़ कर सकते हैं सूखा लगाने के लिए। और फिर इसे हमें बेलना है, ये आसानी से बेल जाती है, इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। आप देख रहे हैं ना कितने अच्छे से ये बेल गई है। अब इसके साइड्स जो हैं वो हल्के से फटे से लग रहे हैं, इसलिए हम लेंगे घर पर रखी हुई कोई भी कटोरी उसी साइज़ की जितनी आपको पूरी बनानी है, या अगर आपके पास कटर है तो आप कटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी बेहतरीन सी पूरी है बनकर तैयार। अब इसी प्रोसेस से हम सारी पूरियों को बेल लेंगे, और उसके बाद में ये जो एक्स्ट्रा साइड्स में ये बच रहे हैं ना इन्हें निकालेंगे और उसी आटे में मिक्स करते जाएंगे, और हम इसे इसी तरीके से कट करके पूरियां बना लेंगे। तेल को अच्छे से करेंगे गरम, और फिर उसमें हम थोड़ा सा इस तरीके से आटा डाल के देखेंगे, अगर वो अच्छे से ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो टेम्परेचर हमें तेल का चाहिए वो एकदम परफेक्ट है।
इसी टाइम पर हम ये पूरी इसमें डालेंगे और हल्का हल्का सा इसको इस तरीके से दबा देंगे जिससे कि ये जल्दी से फूल जाएगी। आपको देखने में लगेगी कि बड़ी क्रिस्पी होगी, टाइट होगी, लेकिन ये बहुत मुलायम होती है और बहुत टेस्टी लगती है। इसका टेस्ट बाकी पूरियाँ जो हम लोग व्रत में खाते हैं ना, उनसे एकदम डिफरेंट होता है। तो ये देखिए हमारी पूरी है बनकर तैयार। अब करते हैं प्लेटिंग। तो सबसे पहले हम डालेंगे आलू टमाटर की सब्जी और अब डाल देंगे इसमें एकदम चटपटी मज़ेदार सी हरी चटनी। वैसे आपने इसकी वीडियो अभी तक देखी है यानी इसी चैनल पर आप जब जाकर देखिएगा, मैंने इसी तरीके से 4 चटनियों की रेसिपी अपने इसी चैनल पर शेयर करी है। और साथ में रखेंगे हम ये मज़ेदार सी पूरी। आप इसको ट्राई एक बार ज़रूर करिएगा। अभी तो अष्टमी है, कल बहुत से लोग व्रत रहेंगे, आप इसको ट्राई करिएगा। और अगर आपने ट्राई किया, आपको पसंद आई, आपके फैमिली और फ्रेंड्स को पसंद आए, तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो लगी अच्छी तो कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को